नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। अब बड़ी खबर का रुख करेंगे, बहुत बड़ा खुलासा। अदाणी के समर्थन में अब संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर कूदा है। ऑर्गेनाइजर में अदाणी के समर्थन में आर्टिकल छपा है। भारतीयों की एक लॉबी ने बनाई नकारात्मक कहानी, ये ऑर्गेनाइजर में छपा है। ऑर्गेनाइजर अदाणी ग्रुप पर सुनियोजित साजिश के तहत हमला, ये ऑर्गेनाइजर में छपा है। और आपको बता दें कि अदाणी ग्रुप और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से लगातार अदाणी पर हमला हो रहा था, और अब मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक खुलासा हुआ है और ये कहा गया है कि अदाणी पर साजिश की गई है, सुनियोजित तरीके से अदाणी के खिलाफ ये साजिश की गई है। आपको बता दें अदाणी समूह पर ऑर्गेनाइजर, मुखपत्र ऑर्गेनाइजर जो है उसका ये दावा है, और ऑर्गेनाइजर में ये तमाम बातें छपी हैं, ये बातें लिखी गई हैं कि अदाणी के खिलाफ साजिश रची गई, अदाणी के पीछे बड़ी वामपंथी लॉबी, ये कहा है, ये लिखा है ऑर्गेनाइजर में कि एक वामपंथी लॉबी अदाणी के पीछे पड़ी हुई है और अदाणी के खिलाफ सुनियोजित साजिश रची गई है। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से अदाणी लगातार सुर्खियों में, और वजह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। और यह भी लिखा गया है कि 2016 और 17 से अदाणी के खिलाफ साजिश की शुरुआत की गई और ये साजिश लगातार की गई, और उसके बाद अब यह खुलासा किया गया। साजिश के पीछे विदेशी फंडिंग भी लगी है, इस बात का भी खुलासा किया गया है। ये तमाम बातें ऑर्गेनाइजर में लिखी हैं, अदाणी समूह पर ऑर्गेनाइजर, जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर है उसका ये दावा है, और ये तमाम बातें लिखी गई हैं कि वामपंथी लॉबी अदाणी के पीछे है। ऑर्गेनाइजर ने ये बड़ा खुलासा किया है, अदाणी के खिलाफ साजिश की गई है, एक पूरी वामपंथी लॉबी है, विदेशी फंडिंग अदाणी के खिलाफ साजिश कर रही थी, विदेशी फंडिंग इसमें लगी हुई थी। ये तमाम बातें ऑर्गेनाइजर में लिखी गई हैं, ये पूरा एक आर्टिकल ऑर्गेनाइजर में छपा है जिसमें अदाणी का समर्थन किया गया है, और ये कहा गया है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक साजिश थी अदाणी के खिलाफ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा जो ऑर्गेनाइजर कर रहा है, ऑर्गेनाइजर में जो कुछ छपा है, एक आर्टिकल छपा है और उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि अदाणी के खिलाफ सुनियोजित तरीके से साजिश की गई है। और क्या कुछ लिखा गया ये बताते हैं। यह हमला वैसा ही है जैसे भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया था, ठीक है, वैसा हमला है, और उन्होंने और उन्हें बर्बाद कर दिया गया था। साथ ही लिखा है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने अदाणी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार की पत्नी शामिल है। तो ये इसमें लिखा है वामपंथी विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइट और एक बड़े वामपंथी नेता पत्रकार की पत्नी इसमें शामिल है, ये ऑर्गेनाइजर में छपा है। अदाणी के समर्थन में संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर जिसमें आर्टिकल छपा है, और लिखा है कि अदाणी समूह पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से साल 2016 से 17 में इसकी शुरुआत हुई। गौतम अदाणी को बदनाम करने की साजिश रची गई, और उनको बदनाम करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ ने एक वेबसाइट शुरू की 2016 से 17 में, और पर्यावरण हितैषी माने जाने वाला एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन अदाणी वॉच डॉट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट चलाता है, और इसी में इसकी शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में अदाणी के कोयला खदान प्रोजेक्ट के विरोध से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये यहीं तक नहीं सीमित रहा। इस एनजीओ का एकमात्र मकसद अदाणी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाना था। ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, और साथ ही लिखा है कि इसके प्रोपेगेंडा पर्यावरण, एक पर्यावरणवादी एनजीओ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करते हुए
क्यों ट्वीट करेगा, आखिर इसका असली मकसद क्या है, ये भी छपा है। बीबीएफ विपक्ष को लेकर नरम हो जाता है, ये भी लिखा हुआ है। वे कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट्स को निशाना नहीं बनाते, वे फिर राहुल गांधी के विरोध में एक बयान से सहमत हो जाते हैं। ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, ये तमाम बातें समर्थन में लिखी हुई हैं अडानी के, और कहा कि कहानी यह है कि अडानी मोदी समर्थक की छवि से निजात पाने के लिए इन राज्यों का रुख कर रहे हैं। तो अडानी की जो छवि बनी हुई है मोदी समर्थक, इससे निजात पाने के लिए इन राज्यों का रुख कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा। और जो ऑर्गेनाइजर, जो संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, इसमें ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, इसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं, और इसमें ये लिखा है कि इसकी शुरुआत 2016 से 17 के बीच हुई। एक भारतीय एनजीओ नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया यानी कि NFI को भी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, OMDR, बिल गेट्स और भी बहुत सारे नाम हैं, और अजीम प्रेम जी से फंड मिला था, यानी विदेशी फंडिंग भी इसमें लगी थी, इस बात का भी खुलासा किया है। अजीम प्रेम जी के नेतृत्व में एनजीओ IPSMF की शुरुआत हुई। तो अडानी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ, और ये शुरुआत जो हुई जो वाम विचारधारा से जुड़े भारत के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइट को फंड देता है। ये तमाम खुलासे ऑर्गेनाइजर में हुए हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई, विदेशी फंड लगा, कौन कौन इसमें शामिल हैं। एक प्रसिद्ध वामपंथी विचारधारा के पत्रकार हैं, उनकी पत्नी भी इसमें शामिल हैं। ये तमाम बातें इस ऑर्गेनाइजर में छपी हैं, एक पूरा आर्टिकल छपा है जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, और कहा है कि अडानी के खिलाफ साजिश की गई। कुमार गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है, और ऑर्गेनाइजर ने साफ तौर पर लिखा है, पूरी डिटेल में ये पूरी बात ऑर्गेनाइजर में छपी हुई है कि अडानी के खिलाफ साजिश की गई। देखिए, बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर का ये RSS का मुखपत्र है, और जाहिर तौर पे बीजेपी इस मामले पे बहुत कुछ बोलने से अभी तक बच रही थी, लेकिन जिस तरह से ऑर्गेनाइजर खुलकर सामने आया है उसमें ये बात एक साफ दिख रही है कि RSS अडानी के साथ खड़ा है, और RSS ये मान कर चल रहा है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो कॉरपोरेट की लड़ाई है, और जिसमें नेताओं को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो पूरा आर्टिकल है उसमें तमाम दुनिया भर के व्यापारियों के नाम है, ऑस्ट्रेलिया से कैसे इसका विरोध शुरू हुआ, ये तमाम बातें इसमें लिखी गई है, और ये भी बताया गया कि भारत में किन लोगों से इनका संपर्क है, वामपंथियों का खासकर जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं RSS का मुखपत्र ये बताने का प्रयास कर रहा है अपने इस आर्टिकल के जरिए कि ये लड़ाई जो है बेसिकली अडानी के खिलाफ है, जिससे कि देश जिसके बहाने भारत को भी टारगेट किया जा रहा है, और इसमें बाहर के लोग भी शामिल है और देश के अंदर के लोग भी शामिल है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर ये राजनीति और व्यापार वर्ग दोनों के कॉकटेल की लड़ाई है, जो एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ी जा रही है, लेकिन उसमें भारत का नुकसान हो रहा है, ये RSS इस आर्टिकल के जरिए बताना चाहती है। कहीं ना कहीं RSS ने अपनी तरफ से खुलासा किया है, और जाहिर सी बात है कि ये जो लड़ाई है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड का है, लेकिन राजनीति भी उसमें घुसी है। और एक बात मानकर चलिए कि जब सरकार के हाथ भी इस तरह की कई कुछ चीजें लगेंगी जिसमें ये लगेगा कि हाँ ये एक साजिश रची गई है जिसमें भारत के राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं, तो जाहिर तौर पे, और व्यापारी भी शामिल है, तो जाहिर तौर पे भारत सरकार भी इसका, और खासकर बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ भी लेने का प्रयास करेगी। और आगे आपको आने वाले वक्त में ये दिखेगा कि चुनावों में भी इस मुद्दे का भारत सरकार अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी, बीजेपी अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी, किस तरह से देश को और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए देश में जो कुछ अपोजिशन के लोग हैं वो विदेश में बैठे लोगों के साथ मिलकर भी साजिश रचते हैं। तो कुल मिलाकर RSS के मुखपत्र में ये बताया गया है कि ये पूरी तरह से एक साजिश है जिसके जरिए अडानी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर इससे देश का भी नुकसान हो रहा है। जी, बहुत डिटेल में ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है और इसमें बहुत कुछ डिटेल में लिखा है। विदेशी फंडिंग की बात कुमार गौरव इसमें की गई है, साथ ही कुछ एक पत्रकार के बारे में भी इसमें बताया गया है, नामी पत्रकार है, वामपंथी विचारधारा के पत्रकार है, और बार बार वामपंथी विचारधारा का जिक्र इसमें किया गया है। कुमार गौरव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, सवाल कीजिए। मेरा सवाल यह था कि इसमें बार बार वामपंथी विचारधारा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
देखिए, जाहिर तौर पे जब इस तरह के व्यापार की बात आती है, व्यापार वर्ग की बात आती है, तो वामपंथी अक्सर उसका विरोध करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और लगातार आपने देखा होगा, अदानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी भी लगातार मोदी पे हमलावर होते हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से सीपीआई हो, सीपीएम हो या लेफ्ट फ्रंट जो हो, वो लगातार सरकार पे आक्रामक रहता है कि जिस तरह से व्यापारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और ये टारगेटेड अदानी अक्सर विपक्ष के निशाने पे होते हैं, और जैसा कि आर्टिकल में भी लिखा गया, आपने देखा होगा कि जब अदानी ने दूसरे राज्यों का रुख किया जहां कांग्रेस की सरकार है या दूसरी पार्टियों की सरकार है, तो ये उस जिस वेबसाइट के जरिए इस खबर को फैलाया गया, और जो लोग विरोध में हैं उन्होंने ये फैलाने की कोशिश की कि अदानी मोदी के साथ जुड़ी हुई अपनी छवि को बदलना चाहते हैं और इसलिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। जबकि देखिए, मोटे तौर पर इससे पहले आपको याद होगा उद्योगपति अदानी का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भारत में जब मार्केट खुला तो उन्हें फायदा हुआ, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। और कुल मिलाकर अगर आप सत्ता की बात करें तो पिछले समय में 2004 से 14 आप देखेंगे कि उस वक्त लेफ्ट फ्रंट बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में था और देश में सरकार चला रहा था। और अभी त्रिपुरा की बात कर ले, वहां लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ चुनाव मैदान में है। तो कुल मिलाकर वामपंथी अक्सर चूंकि इस विचारधारा के खिलाफ होते हैं, ओपन मार्केट के और व्यापारियों को सहूलियत दिए जाने के खिलाफ, लेकिन सरकारें अमूमन ऐसा करती हैं कि व्यापारी वर्ग को भी कुछ राहत दी जाती है ताकि वो देश में इन्वेस्ट कर सके, चूंकि अगर इन्वेस्टमेंट होता है और फिर लोगों को रोजगार मिलता है और बिल्कुल अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है तो मोटे तौर पर देश का आम आदमी का भी इसमें फायदा होता है। लेकिन वामपंथ का विरोध व्यापारियों को लेकर पुराना रहा है, और इसलिए इस आर्टिकल में उनके पास बार बार इसका जिक्र हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अडानी सुर्खियों में चल रहे थे और अब ऑर्गेनाइजर का ये आर्टिकल सामने आता है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हिंडनबर्ग की पूरी एबीसीडी।